Hey guys, welcome to the another video and welcome to the another vlog. And I believe this is going to be my number one vlog for 2024. And vlogs, मैंने कोशिश करी है इस पूरे साल के टारगेट में कि काफी ज़्यादा vlogs put on करने की, जो हमारी growing audience है, उनको काफी हद तक पता चल जाता है इंसान के बारे में जिनको उन्होंने subscribe करा है, follow करा है, that what's the actual things, जैसे कि comebacks क्या है, setbacks क्या है, up downs क्या है, challenging phases क्या है, struggling phases क्या है, other things talking about. So जैसे मैंने travel videos डाली है, आपको पता चलता है कि what the other things that the person is exploring चीज़ों के बारे में, या फिर informative videos जैसे मैंने creating के भी बहुत recent डाली थी, तो आपको product की information के बारे में पता चलता है, product review के बारे में पता चलता है, या कुछ general on general पता चलता है. But I believe vlog is one of the thing जहाँ पे आपको इंसान के बारे में पता चलता है, that you know what the personal insights, so आप वहाँ से कुछ नई चीज़ें सीखते हो. So मेरा वही target that to keep putting more and more content for this year, and that's what I am targeting. And इस पूरे vlog में बातें मैं काफ़ी ज़्यादा मारने वाला हूँ, plus इसके बाद अभी करूँगा जाके breakfast. Breakfast के बाद आज होने वाला है chest day. आज संडे है तो हम chest day hit करेंगे. यूजुअली तो दिल्ली में बंद रहते हैं जिम्स संडे को, मोस्टली जो भी खुले होते हैं वो बहुत क्राउडेड होते हैं, तो लेट्स सी कहाँ पे जाएंगे. प्लस आपको अपने रिकवरी पार्टनर से भी मिलवाऊंगा जो है फ्यूल वन का प्रोटीन, और उसके बारे में बात करूंगा वीडियो के एंड में. तो बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और मैं लेने जा रहा हूं अब अपनी प्री वर्कआउट मील. प्री वर्कआउट मील का गोल यही होता है कि टू मेक मी फिलर, मैं एम्प्टी स्टमक ना रहूं. तो ये मेरी प्री वर्कआउट मील है, इसलिए मैंने इसको लाइट रखा है. अगर ये पोस्ट वर्कआउट मील होती तो मैं इसको काफी हैवी रखता, ताकि मेरे पास एक रिकवरी का पॉइंट रहे. तो अभी मुझे बस एनर्जी चाहिए ताकि मैं अपनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाऊं. सो इसको मैंने बनाया है 100 ग्राम ऑफ प्लेन ओट्स, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन फ्रॉम फ्यूल वन, एंड 200 ml ऑफ मिल्क विद 2 बनेनास. एक मिसकंसेप्शन जरूर बना रहता है कि क्या फास्टिंग कार्डियो वर्क करता है, या फिर अगर हम खाली पेट जिम करने जाते हैं. मैंने बहुत से लोगों का ओपिनियन भी देखा है, सो डज दैट वर्क फॉर देम. सो इसका आंसर है कि यार हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, हर इंसान का बॉडी मैनिपुलेट करने का या फिर कार्ब्स को मैनिपुलेट करने का बॉडी के अंदर तरीका अलग होता है. सो रीड योर माइंड, रीड योर बॉडी की आपकी बॉडी कैसे अडॉप्ट कर रही है. फॉर मी मेरा ये मानना है कि अगर आप लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो कभी भी फास्टिंग वर्कआउट मत करो, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होगी, आपका ग्लाइकोजन लेवल ग्लूकोज लेवल बहुत कम मारेगा. ऑन दी अदर हैंड ये चीज़ें सब वर्क करेगी जब आप एक रेंज में हो फैट लॉस प्रोग्राम के, आपको 2-2.5 महीने में यू नो लाइक फैट लॉस करना है क्विक. हो सकता है आपके घर में शादी हो सकता है आपको कहीं यू नो ट्रिप्स पे जाते हो. आई एडवाइज देम अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप जब एक फैट लॉस प्रोग्राम पर जाते हो अल्टीमेटली आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पर स्टिकनेस लगानी होती है. सो कहीं ना कहीं हैम्पर मारती है कि आपकी एनर्जी भी डाउन करती है. सो मेरा मानना यही है कि अगर आपको बहुत क्विक यू नो फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी, सो आई डू नॉट रिकमेंड एनीबडी टू डू द फास्टिंग कार्डियो एंड ऑल द थिंग्स. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट, वॉट डज योर बॉडी अडेप्ट, एंड हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड. ये अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, आपको उस चीज के बारे में उतना पता नहीं चलेगा. सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू हायर अ कोच, गिव द यू नो लाइक मनी टू अ ट्रेनर नियर बाय योर ट्रेनर ऑफ द जिम, यू नो आस्क द पीपल, सिट विद द पीपल एंड आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम. दैट्स वाई मैनी पीपल पे फॉर दैम एंड दैट्स वॉट आई रिकमेंड टू यू. एंड एक मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी 2024 में कॉन्टेंट क्रिएशन के अंदर घुस रहे हैं या फिर जस्ट बिगिनर हैं. उनका एक क्वेश्चन भी था, मैंने पिछला क्यू एन ए करा था, उसमें पूछा था कि यार बंदों में कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर येट टू बी स्टार्टेड लोग स्टार्ट करने का तो सोचते हैं. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार 2024 इज गोइंग टू बी योर्स. अपने आप में ये लेसन मैंने लिया है कि अपने आप को वेट मत करो किसी भी चीज़ के लिए, एंड जस्ट स्टार्ट योर कॉन्टेंट क्रिएशन. जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ होती है, हम जो चीज़ ढूंढते हैं उसको बोलते हैं परफेक्शन. हम हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते हैं, यार ये नहीं वो नहीं, बट परफेक्शन आपका टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ एड ऑन होगी. गारंटेड नहीं है कि 2024 एंड होने तक मैं जो पॉइंट है मेरा ए टू बी में पहुँच ही जाऊँ, बट आप एक अपग्रेडेशन मोड पर ज़रूर पहुँचोगे, ये मेरी गारंटेड है. बिकॉज चीज़ें आपके एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, आपको पता चलेगा 3-6 महीने पहले मैं जो गलतियां कर रहा था, मैं क्या चीज़ें एडिट में डाल सकता था, मैं यू नो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं स्प्लिट आउट कर सकता था बट मैंने नहीं किया एट द टाइम, तो मैं उसको रिपीट ना करूँ. एंड दिस ओनली कम्स विद द एक्सपीरियंस, हिट एंड ट्रायल. एक छोटा सा एथलीट हो या फिर कोई जिम में लड़के होते हैं या फिर कॉन्टेंट क्रिएशन कुछ भी होते हैं, वो टाइम के साथ ही सीखते हैं. सो स्टार्ट योर डे, डोंट वेट फॉर कि मेरे पास ये अच्छा सा फ़ोन होएगा या फिर अच्छी सी एडिटिंग यू नो स्किल्स होगी, टूल होगा, तो ही मैं शुरू करूँगा, तो ही मैं अच्छा दिखूंगा. जस्ट स्टार्ट एंड
ट्रैक योर प्रोग्रेस हर महीने के बाय द एंड ऑफ द डे या फिर अगले महीने के यू नो बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि मैं पिछले 3 महीने में मैंने क्या प्रोग्रेस करी है। तो अभी बस यही है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करूँ। दिस इज गोइंग टू बी यू नो वेरी मच हेल्पफुल। एक कॉन्फिडेंस जो एक बिगिनर का होता है वो बहुत डाउन होता है, ये चीज़ देखिए। जब आपको 1-1.5 साल हो जाएगा तो कोई भी बंदा या फिर आप कभी भी ना किसी चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होगे कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि वो पता है कि आपने शुरू में इतनी मेहनत करी है। बट जब बंदा बिगनर होता है, बिगनर फेस पे होता है, उसको काफ़ी लुकआउट करता है, चीज़ें नहीं मिलती है, तो उसको मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोई बंदा बताने वाला। सो मेरा मैसेज कन्वे करने का तरीका या फिर यही है कि मैं आपको इस तरीके से मैं बता पाऊँ कि अपनी मोटिवेशन को एक तरफ रखो, अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करो, कंसिस्टेंसी को बिल्ड करो एटलीस्ट फॉर अ ईयर। आज जनवरी है, दिसंबर तक आई कैन गारंटीड कि आप एक अपग्रेडेशन मोड पे होगे। दिसंबर के बाद आप अपने अपने रिजल्ट्स को सिर्फ वैल्यू ऐड करोगे, उसको मैच करोगे, उस पीछे नहीं हटोगे कि यार 1 साल मैंने मेहनत कर ली, मैं अब मेरे से नहीं हो रहा, आई एम जस्ट गिविंग अप। नो, चाहे वो जिम के रिलेटेड भी हो, आई एम ऑल्सो रिलेटिंग टू द जिम, चाहे आपने फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो करने का सोचा है, मेरे साथ कोचिंग करी है, किसी के साथ भी करी है, आई एम नॉट काउंटिंग दैट, बट आपने जो भी प्लान सोचा है एटलीस्ट गिव इट अ ईयर एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को उसको फॉलो करना है एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद दैट। तो आज जा रखे हैं हम सेक्टर 49 के कल के जिम में और आज मैं लगाने वाला हूँ चेस्ट। सो स्टार्टिंग विद द नंबर 1 एक्सरसाइज, ये हम करेंगे फ्लैट कंपाउंड। फ्लैट में काफ़ी टाइम बाद आज सबसे नंबर 1 पे भी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि आपको फ्लैट ही उठानी है। लुकिंग एट योर चेस्ट, आप इंक्लाइन वीक है तो इंक्लाइन उठाओ, डिक्लाइन वीक है डिक्लाइन उठाओ, जिसकी अवेलेबिलिटी है। अभी जिम खाली है तो वी कैन स्टार्ट विद आवर फेवरेट एक्सरसाइज। सो नंबर 1 एक्सरसाइज फ्लैट bench press and I'm gonna be hitting number 1 set with 20 kgs, so let's go. I have a dream, that's all I need, I'll make it happen with some work and belief, know what I want, so I'll take it on, I've made mistakes but mistakes make you strong, let's break it down for a minute, I want the crown, I'm gonna get it, you hear me loud man, I'm winning, yeah Charlie Sheen will be grinning, these ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning, I'm closing in the night pinning, there ain't no point in resisting, living life like a dream. Part in the bench press is the skis and the release, jab hum niche la rahe hain, chahe 10 second ya fir 12 second mein hamara pura set complete ho raha hai, do cheez main aage bolta hu, माइंड मसल कनेक्शन और टाइम अंडर टेंशन। जितने बंदे बिगनर्स हैं या फिर जस्ट स्टार्टेड द जिम, इनको नहीं पता, तो आप एक बार ये डेफिनेशंस जाके गूगल पे जरूर सर्च करना, दिस विल हेल्प यू। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है या फिर आई एम नॉट इन द रेस्ट पीरियड की मैं इन चीज़ों के बताऊँ, बट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, या मैं आपको बिंग वीडियोज़ में भी बताऊँगा। सो 10-12 सेकेंड में आप अगर आप एक सेट खत्म कर रहे हो, सो दिस विल डायरेक्टली हेल्प यू इन एंगेजिंग दैट मसल। तो स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन and then release, so that's how you complete the set in the best way possible. Every night got a team, I've been tied to the scene, out on stage here on screen, okay it's a dream and I pray as a team, one day it'll be me. Number 2nd exercise hum le rahe hain incline dumbbell press, ye main utha raha hu 30 kg se, 25 ka first set mera 30 and then 35, 40 asthas nahi karunga because again we are in the like not in the workout zone but more in the videos and the shorts, so otherwise main bhi trip se aaya hu to strength is kam, but aaj aisa kuch lag nahi raha, strength is all good, all going well, and aaj sabse pehle 30 se leta hu, to jitne logo ka incline part weak hai just more focusing on the incline part, and agar strength build karni hai, the thing that I have learned over the period of time is to tilt your elbows and not to open up that, so agar aapko injury phase like se bahar nikalna hai, jo ki sabse zyada cases hote hain jab hum हैवी लिफ्टिंग करते हैं, मैं मॉडरेट नहीं, हैवी वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, सो कंट्रोल योर मूवमेंट्स एंड जो आपकी एल्बो है उस पर ट्रिक यही है कि उसको टिल्ट करो इनवर्ड्स की तरफ, सो आई विल शो यू लाइक दैट वे। एंड द सेकेंड पार्ट इज वैन यू आर पुशिंग अप टू लाइक प्रेस योर बैक, अपनी बैक को पीछे की तरफ यू नो पुश करो, उसको आगे की तरफ मत ले जाओ, जितना पुश करोगे और एल्बो टेल करोगे वेट उतना ईजिली से उठ जाएगा। To see if I believe they're looking up to me. And the number 3rd exercise, ये हम करेंगे incline barbell press। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, we are targeting the incline part more in the compound side,
लेट्स हिट विद द 25 केजीज। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करूँगा क्योंकि अगेन ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरी उतनी ज़्यादा नहीं मेरे को फॉलो करती अंटिल अनलेस मेरे शोल्डर या डेल्ट मेरे उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। सो आई एम जस्ट टारगेटिंग विद 25 इंच और 20 केजी की रॉड अगर हो जाती है तो आई वुड से 50 एंड प्लस 70 केजीज। इसमें सिर्फ 70 या फिर 80 केजी ही एक्सीड करना है। सो दिस इज ओनली गोल इज टू स्टिम्युलेट द मसल एंड स्कीज एंड मेकिंग द लाइक बेस्ट पॉसिबल वे टू हिट द फाइबर्स। The fourth exercise in our isolated movement, which is the pec deck fly off chest, and इसमें manual में बताऊँ तो breathe in and breathe out, जो हम stretch and fiber की बात करते हैं, breathe in, यहाँ पे हमें hold करना है, and then when we are like pulling off, we have to breathe out, so like this way, and repetitions रहेंगे मेरी 12 to 14, अगर मैं weight light train कर रहा हूँ तो 20-25 में exceed करता हूँ, but ट्रेनिंग टू द मॉडरेट, इसमें हैवी ट्रेन नहीं करते हैं, हमेशा ही चांसेस रखना क्योंकि ये एक्सरसाइज मेरे डेल्ट पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। अगर मेरे डेल्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है आई विल बी एबल टू पुश इट, बट डेल्ट्स की मैच्योरिटी आती है विद द टाइम पीरियड, एक डेढ़ साल दो साल बाद आपके डेल्ट उतने मैच्योर हो गए हैं कि दे कैन यू नो पुट इट दैट मच ऑफ लोड द वेट लोड, बट व्हेन आई से इफ यू आर स्टार्टेड इन द बिगिनिंग जस्ट हिट इट विद लाइक आउट से मिनिमम द मिनिमम वेट्स एंड जस्ट फील the muscle mind connection in each of the reps. So let's go. Breathe out. You hear me laughing, I'm breathing. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, baby, right past the pain. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll win it. एंड माई चेस्ट हैज केम टू द फेलियर, बट अगले जो रेपिटिशंस हैं ये डिफाइन करता है ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैंपियंस को बनाते हैं। यहाँ तक मैं फेल हो चुका हूँ, बट अगेन मैं 2-3-4-5 रेप जितने खींचूंगा मेरे मसल्स के लिए वो उतने बेटर है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी कम है मसल्स के अंदर। ये तो मैंने अभी होल्ड कराया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अदरवाइज आप इतना होल्ड मत करो एंड देन स्क्वीज एंड टेक इट स्लोली और फास्ट। That's it. Best of me now. इसमें मिस्टेक्स जो लोग मेजरली करते हैं मैंने देखा है, अपने वेट को लेकर आके इतना आगे चले जाएंगे लाइक दिस वे, इससे बेनिफिट कुछ नहीं होता। इनफैक्ट आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड ये जो वेट्स के हैं 15-20 किलो एक्स्ट्रा और लोड आ जाता है, तो अगेन आपकी जो मसल है चेस्ट की उसको उतना ही लोड जो जितना वो उठा पाए, उस पर एक्स्ट्रा बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप यहाँ पे खड़े होकर भी वेट कर सकते हो, एंड अगर यहाँ पे ज़्यादा बहुत लाइट रखा है इसको नीचे झुक के करो लाइक दिस वे, अगर मैं हो गया हूँ लाइक दिस वे यहाँ पे लाइक दिस वे। सो ये देखा था मैंने सैम सिलक की वीडियो में, अभी बहुत ट्रेंडिंग पे भी चल रहे हैं वो, तो मैंने उनकी वीडियोस में देखा था इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दैट यू लर्न एंड यू कैन टेल अदर पीपल योर सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हु कैन इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन देयर वर्कआउट शेड्यूल। We'll be right back.
दैट्स इट, चेस्ट वर्कआउट डन, 5 एक्सरसाइजेस। सो वर्कआउट तो हो गया हमारा डन, अब हम रिकवरी में क्या करें। तो मैं ले रहा हूं 1 स्कूप ऑफ वेमैक्स प्रोटीन फ्रॉम फ्यूल वन। अब अगर इसकी यूएसपी के बारे में बात करूं तो ये है विद एडिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इजी टू डाइजेस्ट एंड रियली गुड इन टेस्ट। और इसकी अच्छी बात यह है, जैसे कि हम जिम वाले बंदे होते हैं, हमको दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। वन इज स्कूप पर स्कूप सर्विंग कितना है, तो इसमें 27 ग्राम ऑफ स्कूप पर सर्विंग। और दूसरी चीज रिलायबिलिटी, तो मैं यहाँ पे ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जा रहे के वेरीफाई भी कर सकते हो। सो दोनों पॉइंट वहां से क्लियर हो गए। और अब अगर इसकी कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो आप ऊपर दिया गया लिंक है, वहां पे जाके इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हो। और यू में यूज माय कोड फॉर फर्दर डिस्काउंट। सो दिस इज Ladies know that I'm sitting, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting.